I just have this feeling, I don't know why. It's like kabhi khushi kabhi gham. मैं तो सब लोग थे सबसे पहले कांग्रेचुलेशन ट्रेलर आ चुका है एंड ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आया तो सर आप स्टार्ट कर रहे थे कभी खुशी कभी गम आपकी स्टार्टिंग है आप क्या कुछ क्या कहना चाह रहे थे आप मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा शो आ रहा है 28 जून को हॉटस्टार पर और काफ़ी काफ़ी रिलेटेबल शो है काफ़ी अच्छा शो है हमको शूट करते वक्त काफ़ी मज़ा आया और हम होप कर रहे हैं कि दर्शकों को भी देखते हुए उतना ही मज़ा आए जितना हमें आया शूट करते वक्त इसलिए आप इतने एक्साइटेड हैं कि आपको शाहरुख खान के गाने याद आ गए करेक्ट नहीं सर मैं एक्चुअली लाइफ में इतना ही एक्साइटेड हां वो हर शॉट से पहले ये गाता है मैं वो पूछ लीजिए हमने साथ में काम किया मैं वैसे ही एक्साइटेड आदमी हूं मैं हां कि ये हर शॉट से पहले यही गाना गाता है हम सब बोर हो चुके नहीं वो एक्चुअली एक वोकल एक्सरसाइज होती है सो आप वो अलग-अलग रेंजेस को टैप करते हैं जिससे आप सही से डायलॉग डिलीवरी कर पाए तो इसीलिए ऑलराइट है ना ओके सो मैडम आप कैमरा The office. ज़्यादा रहती है नहीं नहीं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि विद दिस शो एक होता है आप काम करते हैं सिर्फ काम करने के लिए और एक होता है आप जब काम कर रहे होते हैं आप दोस्त बना लेते हैं बहुत अच्छे आप फैमिली बना लेते हैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग जस्ट बिकॉज फॉर द हेक ऑफ सेइंग इट बट ऑनेस्टली विद दिस शो मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज हैं विच यू फील नाइस बिकॉज आपका वर्किंग एटमोसफेयर भी बहुत अच्छा हो जाता है और आप देर इज़ नो ईगो टसल सो इफ आप कहीं पर अटकते हो किसी सीन में किसी कोई आप सोच रहे होते हो कि मैं इस सीन को कैसे अप्रोच करूँ या मैं इसका सो यू कैन ऑलवेज आई कैन गो बैक टू हिम एंड टू हर और हिम एंड कि यार इसको थोड़ा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं सो दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ वेरी रेयर मतलब मैंने अपने जितना भी काम किया है उसमें बहुत कम ऐसा एक्सपीरियंस मिला है मुझे मैंने काफ़ी सारा थिएटर वगैरह भी किया है बट उसमें भी काफ़ी लोग दोस्त बनते हैं बट ये एक अलग ही टाइप की बॉन्डिंग है हम जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से ही ज्वाइन करते हैं फरवरी 2018 से जुलाई 2018 तक ये सारे ही हम लोग एक परिवार थे जितना समय हमने आपस में बताया है उतना समय शायद अपन ने अपने परिवार के साथ भी नहीं बताया होगा तो ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है बीच बीच में हम लोग कुछ बीमार भी पड़े हैं एक दूसरे का ख्याल रखा और कई हमारे एक्टर्स जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अगर वो बीमार भी होते थे क्योंकि हम लोग फ्रेम में हैं तो वो काम पे आते थे ये जज्बा हमने फ़िलहाल तो मैं तो नवोदित कलाकार ही हूँ लेकिन ये मैंने देखा है आपस में और मुझे बहुत ही मेरे जहन को छुआ है इन सब के दौरान बॉस का कितना डर रहता है आप लोगों के मन में बिल्कुल भी नहीं डर बिल्कुल भी नहीं 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 बहुत 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 डर है बहुत 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 ये ऐसे मजाक कर रहा है इतने इतना डर है कि वो कहीं आ ना जाए और काम के लिए नहीं आ गए तो फिर काम हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारा शो का वैसे भी है वर्क के लिए हमारे बॉस जो है वो एक टीनेजर फादर बच्चे के फादर की तरह है उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बच्चे का शूज साइज हमारे बराबर हो गया तो हमें उसका दोस्त बन जाना चाहिए तो हमारे बॉस शायद उसी प्रकार के हमें ऐसा ट्रीट करते हैं तो वो हमें साथ बहुत ही यारियों जैसा व्यवहार करते हैं लेकिन कुछ काम को लेकर भी सख्ती दिखाते हैं लेकिन फिर वो बहुत ही मुलायम हो जाते हैं हमारे बॉस का वो टैग भी है आई एम सॉरी हमारे बॉस का टैग है कि वर्क इज ऑप्शनल एंड फन इज कंपलसरी तो हाँ इसीलिए इस सेगमेंट को तो हम काफी पसंद करते हैं अपने बॉस का बाकी उनके पर्सनल लाइफ में हमें ज्यादा कुछ बहुत सही वो चाहते हैं कि हम इन्वॉल्व हों उनके पर्सनल लाइफ में लेकिन हम नहीं चाहते हम नहीं चाहते नहीं नहीं वो हमें फोर्स करते हैं ये जो यूनिटी है ये बहुत ही अच्छी है हां यूनिटी तो है हमारे इसमें बहुत सो 28th ऑफ जून को स्ट्रीमिंग होने वाला है ये जो प्लेटफार्म है हॉटस्टार के प्लेटफार्म पर द ऑफिस आने वाला है इसे कैसे देख रहे हैं आप हॉटस्टार के प्लेटफार्म पर स्ट्रीमिंग होने वाला है अरे नहीं इसे तो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं क्योंकि हॉटस्टार इज सच एन एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म मतलब हमारे लिए बहुत और ऑफिस के लिए हमारे शो के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मतलब गेम्स ऑफ थ्रोन्स तलाश उस पे अब ऑफिस आ रहा है उस पे सो या ऑफ कोर्स हम बहुत एक्साइटेड हैं वी आर वेरी एक्साइटेड कि इतने एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का काम आ रहा है वी आर एक्चुअली वेरी 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 हैप्पी दैट हॉटस्टार पे आ रहा है हमारे ब्रांड वैल्यू को और बेहतर करता है यस प्लीज़ शो को ज़रूर देखें जस्ट गिव इट अ चांस एक बार देखिए आपको काफ़ी मज़ा आएगा हमने काफ़ी मेहनत की है कि ये शो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग इसे पसंद करें सो जस्ट गिव इट अ चांस एंड वी प्रॉमिस यू वी वोंट डिसअपॉइंट प्रत्येक उस प्रत्येक भारतीय के लिए जो ऑफिस में काम करता है ये उसे किसी न किसी प्रकार से रिलेट कर पाएंगे या राइट
Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Same to you. Next. Sorry. Come. मैं बताता हूँ, चड्डा सर बॉस हैं और मैं ऑलमोस्ट बॉस हूँ। ये लोग एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय है, मार्केटिंग में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो हमारे लगे कि मैं भी बॉस ही हूँ, मैं बॉस ही हूँ। क्या कहते हैं चड्डा सर? डिपार्टमेंट का बॉस। नहीं ऐसा है ना कि हमारे ऑफिस में मैं ऐसा बॉस हूँ जो जिसके होने से मतलब सबको लगता है कि वो बॉस है, तो हम सब इक्वल है। मैं थोड़ा ज़्यादा इक्वल हूँ लेकिन हम सब इक्वल हैं। और उसके बाद मैं इक्वल हूँ, पहले ये इक्वल है, फिर मैं इक्वल हूँ, फिर सब इक्वल है। आप इक्वल के असिस्टेंट हैं? इक्वल के असिस्टेंट। इक्वल के असिस्टेंट। फन है, कॉमेडी है, धमाल है, सब, और कीड़ा है, मस्ती है, और ढेर सारा प्यार, कुश्ती है। कुश्ती लिटरली है, कुश्ती। हाँ हाँ, कुश्ती भी है, और मिस्ट्री है, थ्रिलर है, हॉरर है, और मैं हूँ, ये है, वो है, सब सब है। पूरा स्क्रिप्ट रिवील हो। लेकिन नहीं, इस ऑफिस में नहीं है ना, क्योंकि मैं बॉस हूँ। हाँ, तो इस ऑफिस में सब सब फन के लिए आते हैं ना। अच्छा। तो इसलिए बॉस जी आप थोड़ा बताइए कि मेरे बारे में, मैं एक्चुअली अगर ये नहीं करता ना तो मैं शायद एक बहुत बड़ा एंटरटेनर होता मैं, क्योंकि मेरे जोक्स मतलब सोचते ही मतलब हंसी आती है। इतना फनी हूँ मैं, और मेरे जोक्स मतलब कमाल के जोक्स। हाँ ये तो है। तो अगर मैं शो में हूँ तो शो फनी होगा ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो वाला बॉस नहीं हूँ। मेरा बॉस ऐसा होता था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वैसा बॉस नहीं बनूंगा। इसलिए इनको देखो कितना प्यार करते, ये कितना प्यार करते हैं मुझसे। सब मेरा कैरेक्टर जो है वो टीपी मिश्रा का है, और मैं जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। डिसिप्लिन ये देखिए, ये काफी हासिल है। तो मतलब किस मायने में आप डिसिप्लिन? मैं डिसिप्लिन, हाँ, इन लोगों को डिसिप्लिन का मतलब नहीं पता है, तो मैं बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, क्योंकि चड्डा सर ने बहुत छूट दे रखी है लोगों को, तो मैं जो है मैं सब संभालता हूँ बेसिकली। चड्डा सर टीपी तो समझता नहीं है सर, मैं सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल समझ, बिल्कुल समझते नहीं हो, समझते नहीं हो, इसलिए तुम बॉस नहीं हो। मैं ऑलमोस्ट बॉस हूँ, बॉस का ऑलमोस्ट। इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, थोड़ा काम होना चाहिए, सीरियसली सब फन कर रहे हैं, इतना फन ज़रूरी है, थोड़ा काम करना ऑफिस में ज़रूरी है, लेकिन आप ये ऑफिस हमारा देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, ये पहली चीज़ ने कही है जो सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। जो क्या था यार शो का? सर आप थोड़ा सा बताना चाहिए। मेरा कैरेक्टर सलीम गिलानी का है, एक मुस्लिम कैरेक्टर है जो बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है पूरे ऑफिस के अंदर, और ऑफिस में अगर कोई गेम्स खेल रहा है या कोई मस्ती हो रही है तो भी ये बंदा अपने पीसी पे बैठ के काम कर रहा है। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी एंटरटेनमेंट हैपनिंग इन द ऑफिस, और बहुत ही अनकन्वेंशनल मुस्लिम है जो बिरयानी वगैरह लाइक नहीं करता, बट ही एंजॉयज पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स, और इस तरीके का है। और जब पार्टी होती है तो इसका ध्यान सिर्फ बार की तरफ होता है और बाकी के लोगों की तरफ नहीं होता, तो इस तरीके का है, बट वेरी सीरियस कैरेक्टर इन द ऑफिस, एंड फन है, मस्ती है, एज दे ऑल सेड। मतलब ऐसे भी आपके ऑफिस में ऐसे भी लोग हैं बहुत सी कि दुनिया से कोई मतलब नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर एंड पार्टी से मतलब है। मतलब इस ऑफिस में तो पार्टीज है ना, मतलब मैं कराता हूँ पार्टीज। लिमिट में जितना बजट हो उतना ही करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे ऑफिस में बहुत सारे पार्टीज होते हैं, क्योंकि तभी तो सब इन्जॉय कर रहे हैं ऑफिस में।
और आप लोग भी इंजॉय करोगे जब आप देखोगे शो। हाँ, ट्रेलर में तो हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू। देखो प्रॉब्लम है कि ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ इंजॉय हो रहा है। हाँ मैं बहुत प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं लोग, यहाँ काम काम ज्यादा होता है। मैं काम ज्यादा क्योंकि मैं सिर्फ काम कर नहीं, काम ज्यादा हो गया तुम्हारा काम। मैं काम चलिए वन बाय वन पहले हो गया, काम ज्यादा होता है जब लोग खुश हैं और मैं ज्यादा काम करता हूँ। और तनख्वाह सबसे कम मुझे मिलती है। नहीं बिल्कुल नहीं, बराबर मिलती है। वो 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 बात करेंगे सलीम जी, हम बात करेंगे उसके बारे में। आप अभी बता दीजिए किंतु इन्होंने तो कंप्लेन कर दी है कि तनख्वाह मुझे सबसे कम मिलती। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक एक स्पेशल बोनस दूंगा इसके बाद, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। किसके अकाउंट से आएगा? होगा होगा होगा, हॉटस्टार पे आएगा, हॉटस्टार पे आएगा शो ऑफिस 28 जून बिल्कुल। थैंक यू। मैं कैसे देखता हूँ? मैं सोफा पे बैठ कर देखता हूँ। मतलब इतने सारे क्रिकेट मैचेस आ रहे हैं आजकल, वर्ल्ड कप का बड़ा फ़ैन हूँ मैं, क्रिकेट का फ़ैन हूँ मैं, वो देख रहा हूँ। और जब वो मैचेस नहीं आ रहे हैं तो इतने सारे बाकी शोज़ देखने को मिलते हैं। इतने सारे बढ़िया शोज़ आए हैं और भी बढ़िया शो आने वाला है हमारा द ऑफिस, तो सब कुछ देखेगा उसमें। देखो मैं तो इंडियन हूँ और मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं इंडियन हूँ तो मैं चिंदी हूँ। और अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं सब्सक्राइब करता हूँ और हॉटस्टार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने VIP वाला सब्सक्रिप्शन लिया है। नॉट बिकॉज ऑफ द ऑफिस, बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट ये ऑफिस भी आ रहा है, आई हैव सीन सो मेनी अदर थिंग्स, बट चलो ऑफिस भी देख लेते हैं। आई हर्ड इट्स अ गुड शो, इंटरेस्टिंग वाला शो है, हम सब है उसमें, पर मैं उसके लिए नहीं देख रहा। पर हाँ, यू शुड वॉच इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट OTT चैनल्स राइट नाउ इन इंडिया, वन ऑफ द टॉप 3। इसलिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है? हाँ सर, आप बताइए। ये लोग कह ही चुके हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट शोज हैं, और मतलब इंडिया में तो मुझे लगता है सभी के पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। मतलब मैं जितने लोगों को होना चाहिए पक्का है भी शायद, क्योंकि इतने बेस्ट क्रिकेट है, बेस्ट शोज हैं, तो सब लोग देखते हैं और ऑफिस हॉटस्टार पे आ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यस बिल्कुल सर, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट OTT इन इंडिया अवेलेबल। 15 crores का इनका लगभग व्यूअरशिप है और वर्ल्ड कप क्रिकेट के अंदर हमारा प्रोमो जा रहा है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। इतनी अच्छी व्यूअरशिप मिली है, आउट ऑफ बॉम्बे से मुझे फ़ोन आया जब उन्होंने मुझे छोटा सा प्रोमो में देखा, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर दिस शो, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी ऑन हॉटस्टार। चलिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी चल रहा है जी, एक सवाल कि कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग वर्ल्ड कप, एंड अगर आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर किसी कोई मैच देखा हो अगर तो? हाँ, इंडिया पाकिस्तान तो पूरा मैच देखा मैंने, पूरा मैच देखा, और जो पाकिस्तानी रिव्यूज़ है हारने के बाद वो देख कर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया जब वो लोग, बट end of the day it's a game and one team has to lose, but it was fun watching cricket on Hotstar. So, upcoming kaun se match ka bahut hi excitement hai aap logo ko Hotstar ko? Finals, final India hoga, India hoga, main wapas India India England match bhi hai 30 tarikh ko, to 28 tarikh se main office dekhunga aur 30 tarikh ko chhota sa break leke India England bhi dekhunga. That is true, that is very true. मैं दोहराना चाह वापस दोहराना चाहता हूँ कि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ तो मैं देख के ही रहूँगा। बिल्कुल, मैं तो सारे मैच देख रहा हूँ, लेकिन बारिश बहुत हो रही है तो आगे के मैचेस में बारिश ना हो। अच्छा, इंडिया में नहीं, वहाँ पे मैच क्या सारे डूब रहे हैं, तो जो इंडिया के मैच हैं कम से कम उसमें बारिश ना हो। बिल्कुल, और यस ठीक है, लीड करो टीपी, हम चल सर, आप बॉस ठीक है। तो 28 जून को आ रहा है द ऑफिस, 28 जून को आ रहा है द ऑफिस, ऑन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑन हॉटस्टार, ऑन हॉटस्टार स्ट्रीमिंग, ऑन हॉटस्टार स्ट्रीमिंग, ऑन हॉटस्टार
प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज वॉच. मैंने लिया. अब तुम लोग बोलो. प्लीज द ऑफिस स्ट्रीमिंग ऑन 28 जून जरूर देखेगा. इट्स अ ब्रिलियंट शो. एंजॉय. मैंने देखा. सही बोला आपने. चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू. और कैमरा रोली. How the journey of the office started? Like I heard this is an international series adaptation. जी. So कितना adapt हुआ, कितना copy किया गया है? So tell us about the office. What attracted you? और कितना adaptation लिया गया? ये तो पूरा adaptation ही है. Basically it's an international franchise. जैसे आपने कहा 9 countries में already adapt हो चुका है. ये this is the 9th or 10th, I'm not sure, but this has been adapted many countries. तो इट्स जब मुझे ये ऑफर मिला तो आई सीन द स्क्रिप्टिंग वॉज फैंटास्टिक. तो देर वॉज नो क्वेश्चन, मतलब नो हेजिटेशन. सीधा मैंने कहा कि यार ये करना ही है पक्का. और जो कैरेक्टर मुझे मिला गया जगदीप चड्ढा का, इट वॉज सच अ फैंटास्टिक कैरेक्टर. तो देर वॉज वर्चुअली नो हेजिटेशन, मतलब सीधा आई वॉज सो हैप्पी टू गेट इट. जैसा कि मुकुल ने बताया, ऑफिशियल एडेप्टेशन है. तो मेन वो जो थीम्स हैं तो वो तो वही हैं, बट उसको बहुत इंडियनाइज किया है. उसके कैरेक्टर्स बहुत इंडियन हैं. और जब मुझे ऑफ़र आया तो मैं बहुत, क्योंकि मैंने ऑफिस देखा था, सुना था उसके बारे में, तो मुझे बहुत, मुझे करना ही था. बट उस टाइम मैं कुछ और शूट कर रहा था, तो मैंने शुरुआत के एपिसोड्स तो कुछ मैं रात में कुछ और शूट करता था और दिन में आके फिर ऑफिस. ऐसे मैंने शुरू के करीब 2 weeks मैंने ऐसे मैनेज किया, बिकॉज मुझे ये शो करना ही था. आपने एक चीज़ बताई कि आप ये मैनेज करते थे. सो इफ आई सी यू इन दिल्ली क्राइम, देन आई सी यू इन द न्यूज़ दैट वाज इट, सीएनएन न्यूज़ 18. सो एक स्विच जो होता है ना आपका, उसमें एक इंटेंस रोल और देन उसमें थोड़ा कॉमेडी. हाउ गेटिंग टू द स्किल ऑफ द कैरेक्टर फॉर दिस आल्सो, हाउ डिड यू प्रिपेयर? सो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट्स में होते हैं सारे क्लूज, सारे डिटेल्स. अगर आप स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ो तो आपको खुद पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर कैसा है, इसका ये क्या सोचता होगा, इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा. तो मुझे लगता है कि जो है वो स्क्रिप्ट है. और फिर मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर, हाँ, मुझे कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. तो कॉमेडी और जो भी रोल आता है, तो मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. जितना आपका वो है, ताकत है, जितना आपका मादा है, उस हिसाब से. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ, थोड़ा सा उसके अंदर जाऊँ चीज़ों के, तो फिर वो कोई भी रोल हो आप कर सकते हो. बट द थिंग इज़ आपको वो, क्योंकि लाइन्स के पीछे कैरेक्टर्स के नुआंसेस होते हैं, वो पकड़ना आना चाहिए. तो मैं आगे भी अलग अलग तरह के रोल करना चाहूँगा. जी सॉरी, मैंने सॉ द ट्रेलर. जी, एक होता है कि यू मेक दैट कैरेक्टर वेरी बिलीवेबल. थैंक यू. ऑडियंस में को लगा कि यार ये बॉस ही है, मतलब थैंक यू, ये एक्टर है. थैंक यू. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? नहीं, प्रेपरेशन तो आई वॉज, देर वॉज लॉट ऑफ प्रेपरेशन दैट वेंट इनटू इट. क्योंकि क्या था कि जगदीप इज, कुछ चीज़ें हैं विच आर सिमिलर टू मी, कुछ चीज़ें हैं जो विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ अ कैरेक्टर. एंड फॉर एन एक्टर वो तो जॉय है. जैसे गोपाल कह रहा है यू वॉन्ट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो जगदीप का जो एक यूनिक तरीका है ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, मैनरिज्म्स, तो वो सब उस पर थोड़ा काम करना पड़ा टू गेट इन टू दैट, सो दैट यू नो वन कुड बी अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड होपफुली मेक इट बिलीवेबल फॉर यू. सो हाउ फन यू बोथ हैव, लाइक आपकी जो केमिस्ट्री, लाइक मैं और भी इंटरव्यूज में देख रहा था, लाइक जेन्युइन, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, जस्ट एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना. सो सेट्स पे कितना फन था? मैं तो गोपाल को जानता हूँ कि 12-13. हाँ, हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं एक्चुअली. और वो दैट थिंग रियली हेल्प्ड अस. और क्योंकि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं पहले से, हमने साथ में थिएटर भी किया है. और तो वो जो कंफर्ट जोन था वो काफ़ी हेल्पफुल था. और वो अभी भी, हम लोग, कोई स्ट्रेस नहीं होता हमको. कुछ करना होता है इम्प्रोवाइज़, तो हम लोग कई बार तो बिना डिस्कस किए भी हम कर लेते हैं कि
ऑन द स्पॉट करके देखते हैं, और वो जब हम शूट कर रहे थे तब भी ये चीज़ें बहुत काम आई कि मैं कुछ रिएक्ट मैं कुछ बोलता था तो मुझे पता है कि मुकुल कुछ अच्छा ही उसका रिएक्शन देंगे, तो उससे काफ़ी चीज़ें बनी हैं। ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, मतलब मुझे पता है कि मैं कुछ करूँगा तो यू नो आई ट्रस्ट ही विल थिंक, या अगर वो कुछ करेंगे तो आई ट्रस्ट दैट यू नो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट, तो वो टेंशन नहीं था। यू नो समटाइम्स विद अ न्यू एक्टर समटाइम्स दैट कैन बी यू नॉट श्योर कि अब समटाइम्स सीन से पहले गोपाल वुड से कि यार ऐसे करते हैं, या मैं कहता ऐसे करते हैं, तो दैट वाज दैट यू नो, पर ये पहले से एज यू सेइंग काम कर चुके हैं, तो जब मुझे पता चला कि गोपाल इज प्लेइंग टीपी मिश्रा मैं बहुत खुश था, मुझे पता था कि एक तो ही इज अ गुड फ्रेंड, तो आई वांटेड एंड यू डू अ ग्रेट जॉब ऑन द थिंग, तो या इट रियली हेल्प। गोपाल जी, आई हैव ऑब्जर्व्ड अ स्पेशल थिंग अबाउट यू, दिस इज माय न्यूज़ दैट वाज इन द टाइम भी आई वाज देयर इन सीएनएन, तो मैंने चीज नोटिस की, you are very grounded, so you keep yourself very grounded, like you are such a good actor, jaise hota hai na ki kaafi actor hai jo ek recognition wo deserve karte hain, so keep yourself so grounded and don't let the success hit you head. Ek to mujhe lagta nahi hai ki I am that successful. हाँ, बट मुझे लगता है कि आप अपना काम करो और बाकी सब चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट है एक्चुअली, और क्योंकि हम मुझे लगता है सारे एक्टर्स हम एक्टिंग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं रादर देन दूसरी चीज़ें, कम से कम मैं जिन थिएटर के एक्टर्स को जानता हूँ, हम लोगों का फोकस ये होता है कि हम ये जो काम है ये इन्जॉय करें, बाकी जो आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं है बिकॉज़ वी डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स, तो हमारा फोकस ही ये होता है और होना चाहिए आई थिंक कि जो काम है जो सेट पे हमको करना है वो 100% होना चाहिए, बाकी ठीक है। नहीं, एब्सोल्युटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये सब प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ये नहीं काफ़ी सारे बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं, जनरली कंटेंट क्रिएशन इज सो मच मोर इज हैपनिंग, सो लॉट मोर कंटेंट इज हैपनिंग एंड दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज जितना कंटेंट बन रहा है तो इट्स गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू मेनी मोर पीपल, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विद ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हमको देखने को मिल रही हैं अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत ऐसा कॉमेडी स्पेस से लेके बहुत रियलिस्टिक और बहुत डार्क हॉरर, तो अभी आपके पास बड़ी चॉइस है कि आप और अच्छी कहानियाँ, और मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसकी एक बड़ी खासियत जो मेरे हिसाब से है कि अभी तक आप जो मेन लीड कैरेक्टर्स प्रोटैगनिस्ट होते थे उनकी कहानियाँ देखते थे, बट इन सीरीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनका भी पूरा ट्रैक आप फॉलो करते हो, उनकी भी कहानियाँ होती हैं, तो एक होलसम जैसे ये जैसे फिल्म क्या है कि एक कहानी पढ़ने जैसा है, ये एक नॉवल जैसा है जिसमें आप सारे कैरेक्टर्स सबकी कहानियाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो वही है जैसा कि हम ये पहले भी कह रहे थे कि ये जो ऑफिस है ये आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये कोई अलग जगह है या कोई अलग स्पेस की कहानियाँ, किसी एक्सक्लूसिव ऑफिस की कहानियाँ, आपको लगेगा ये जो भी ऑफिस जाता है उसको लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे ऑफिस की कहानी है, ये बिल्कुल जो कैरेक्टर्स हैं मेरे आसपास बैठने वाले लोग हैं, इनकी हरकतें, इनकी जो टुच्चेई है या इनके जो कंसर्न्स हैं वो सब आपको लगेगा इतने रिलेटेबल हैं कि आप हो सकता है कि अलग अलग नाम में आप अपने ही ऑफिस के लोगों को देखें इस ऑफिस में, और आप हंसेंगे बहुत बहुत। तो जून 28 प्लीज वॉच ऑन हॉटस्टार वीआईपी द ऑफिस। अरे थैंक यू, मजा आया। अच्छा आप